केवटा किचन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ मसालेदार खिचड़ी। चलिए हम जानते हैं कि इन्हें बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। अरवा चावल 1 गिलास, 1 कप रहरी का दाल, सरसों का तेल, आलू कटा हुआ, गोभी, मटर, टमाटर, धनिया पत्ता, घी, कश्मीरी मिर्च पाउडर 1 चम्मच, 1 चम्मच गरम मसाला, 2 तेज पत्ता, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच जीरा, नमक स्वाद अनुसार। चलिए हम बनाना चालू करते हैं। सबसे पहले गैस ऑन करेंगे, ऐसा हम कढ़ाई चढ़ाएंगे। कढ़ाई को हम गर्म होने देंगे। कढ़ाई हमारा गर्म हो चुका है, अब इसमें हम तेल डालेंगे। जब तेल गर्म हो जाए तो इसमें हम गोभी डालेंगे। गोभी को हम थोड़ा भून लेंगे। इसे हम थोड़ी थोड़ी देर पर चलाते रहेंगे। अब इसमें हम आलू डालेंगे। इसे भी हम थोड़ा देर भून लेंगे। अब इसमें हम लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे, थोड़ा नमक डाल देंगे। अब इसे अच्छी तरह मिला लेंगे। अब इसमें हम मटर डालकर मिला लेंगे। इसे भी हम थोड़ी थोड़ी देर पर चलाते रहेंगे। थोड़ी देर बाद हम टमाटर डालेंगे। अब इसे अच्छी तरह मिला लेंगे और थोड़ा गरम मसाला अच्छी तरह इसे हम मिला लेंगे। अब इसे हम थोड़ी देर तक भूनेंगे। हम तब तक फ्राई करेंगे जब तक कि हमारा आलू और गोभी पक ना जाए। इसे निकालने से पहले, आधा मिनट पहले हम धनिया पत्ता डालेंगे। अब इसे हम मिला लेंगे। अब इसे हम निकाल लेंगे। अब गैस पर हम कुकर चढ़ाएंगे। इसमें हम 5 गिलास पानी डालेंगे। अब इसमें हम चावल गिराएंगे। चावल हमने पहले ही से धोकर रख लिया है। उसके बाद हम इसमें दाल डालेंगे। अब हम इसमें
हल्दी पाउडर, नमक डालकर इसे हम अच्छी तरह मिला देंगे। कुकर का ढक्कन हम लगा देंगे, दो सीटी लग जाएगा, उसके बाद हम गैस बंद कर देंगे। दो सीटी लग चुका है, अब हम गैस बंद कर देंगे। प्रेशर खुलने तक हम इंतजार करेंगे। अब कुकर का प्रेशर निकल चुका है, अब हम इसे खोलकर देखेंगे। अब हम गैस ऑन करेंगे। अब इसमें थोड़ा पानी डालेंगे, आप अपने हिसाब से रख सकते हैं गाढ़ा या पतला। अब इसमें हम भुने हुए आलू गोभी मटर गिराएंगे। इसे हम मिला देंगे। अब इसमें हम गरम मसाला डाल देंगे, फिर इसे हम मिला देंगे। देख सकते हैं कि खिचड़ी में सभी मसाले मिक्स हो चुका है। अब हम इसे उतार लेंगे। अब इसे हम तड़का लगाने के लिए हम कढ़ाई चढ़ाएंगे, थोड़ा गर्म होने देंगे। इसे हम तड़का लगाने के लिए इसमें हम घी डालेंगे, घी को गर्म होने देंगे। तो घी हमारा गर्म हो चुका है, अब इसमें हम जीरा डालेंगे, तेजपत्ता डालेंगे, अब इसे हम खिचड़ी में डालेंगे। इसे हम अच्छी तरह मिला देंगे। अब इसमें हम ऊपर से धनिया पत्ता डाल देंगे, इसे हम मिला देंगे। खिचड़ी हमारा बनकर तैयार है।